आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इजराइल साझेदारी कोविड-19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को लेकर पोरबंदर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। अमरीकी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा, अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5% होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इजराइल की साझेदारी आने वाले दिनों में और सुदृढ़ होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड परवर्ती युग में भारत और इजराइल कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। श्री मोदी ने कल इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने श्री नेतन्याहू को हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपनी शुभकामनाएं दोहराई और विश्वास व्यक्त किया कि श्री नेतन्याहू के नेतृत्व में मार्गदर्शन में भारत इजराइल के संबंध निरंतर बढ़ेंगे। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। इनमें टीके, उपचार और निदान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऐसे सहयोग का लाभ व्यापक मानवता के हित में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने भारत और इजराइल के बीच स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पहले से जारी सहयोग का विस्तार करने की संभावनाओं पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री सामडिक अक्का मोहा सेना पतई हुनसेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने एक दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने में जारी मदद पर भी सहमति जताई। बातचीत में श्री मोदी ने कंबोडिया के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत और कंबोडिया के बीच साझेदारी के साथ विकास को गति देने की समीक्षा की और मेकॉग गंगा सहयोग ढांचे के तहत ITEC और क्विक इम्पैक्ट परियोजनाओं के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 6 शहरों में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समीक्षा की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरू। केंद्रीय दल अगले 1 सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। ये दल प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये दल किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सूचित करेंगे और अपना दौरा समाप्त करने से पहले अपने सुझाव देंगे।
वैश्विक स्तर पर कोविड 19 संक्रमण 72 लाख तक पहुंच गया है। संक्रमण के चलते अब मरने वालों की संख्या 4,11,000 से ज्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का कहना है कि संक्रमण के कुल आंकड़े 72,44,108 से ज्यादा हो गए हैं और इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 4,11,260 हो गई है। अमेरिका में अब भी संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहां संक्रमण के पुष्टि मामले सबसे ज्यादा 19,79,411 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,11,989 तक पहुंच गई है। दूसरा स्थान ब्राजील का है, वहां मरीजों की संख्या 7,39,503 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,501 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 32,810 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 12,245 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 384 लोग ठीक हुए जबकि 48 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 984 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से सक्रिय मामलों में कमी आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लगातार एहतियाती कदम उठा रही है। कल 13,264 सैंपलों की जांच के साथ ही प्रदेश में अब तक हुई कुल मरीजों की टेस्टिंग की संख्या 4,04,000 से अधिक हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 302 लोगों को उपचार के बाद पूरी तरह ठीक होने के चलते डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,318 रह गई है, जो कि कल 4,365 थी। इसमें से सबसे ज्यादा 284 सक्रिय मामले गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, 231 मामले गाजियाबाद में, 217 कानपुर में, 135 लखनऊ में और 134 मरीज आगरा में मौजूद हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 11,610 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में इस समय हॉटस्पॉट की संख्या 1573 है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार सुधार आ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रयोगशालाओं में जांच के काम में भी तेजी आई है। बिहार में पहली बार कोरोना से पीड़ित मरीजों के मुकाबले संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या अधिक हुई है। राज्य में 2,933 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2,729 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 1,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। इस समय 4,000 से अधिक सेंटर में लगभग 1,00,000 लोग हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में कोविड 19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि जारी है, लेकिन लोगों के स्वस्थ होने की दर में भी इजाफा हुआ है और इस महामारी से मृत्यु दर लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में रियायतें दिए जाने के बाद मुंबई के लोगों का लापरवाहीपूर्ण रवैया सामने आया है। लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए कोविड 19 के खतरे की अनदेखी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महानगर के लोगों से अपील की है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें और बीमारी के खतरे की अनदेखी न करें जो अभी बना हुआ है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 21 जिलों से कोविड 19 के 510 नए मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 21,554 हो गई है। राज्य में कल 370 मरीज ठीक हुए और अब तक ठीक होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 14,743 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कल 34 और रोगियों की मृत्यु की पुष्टि की, जिनमें से 26 लोगों की मृत्यु अकेले अहमदाबाद जिले में हुई है। राज्य में कोविड 19 से अब तक 1,347 मरीजों की जान जा चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब कोविड 19 के 5,464 सक्रिय मामले हैं। अहमदाबाद जिले में कुल मामलों की संख्या ने 15,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक जिले के 1,092 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी ओर जिले में रिकवरी दर में भी सुधार हो रहा है। जिले में कल सबसे अधिक 266 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सूरत जिले में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,281 हुई है। सूरत नगर निगम ने कहा है कि हीरा पॉलिशिंग वाली इकाइयां और पावरलूम में लगे श्रमिकों में कई नए मामलों की पुष्टि हो रही है। इस बीच राज्य सरकार ने ड्रग्स और सैनिटाइजर निर्माताओं के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है, जो उत्पादों की गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
झारखंड में पिछले 24 घंटों में 128 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1551 हो गई है। इनमें 1186 लोग बाहर से लौटने वाले प्रवासी हैं। राज्य में अब तक परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच हो चुकी है। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच का काम जल्द निपटाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ साथ निजी प्रयोगशालाओं की भी मदद ली गई है। तेलंगाना में कल 191 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4111 हो गई है। कल अकेले हैदराबाद में ही 143 लोगों में संक्रमण पाया गया। राज्य में उपचार के बाद 1817 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस महामारी से अब तक 156 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड 19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में 574 नए स्नातकोत्तर डॉक्टरों और 665 डॉक्टरों को 3 महीने के लिए अनुबंध के आधार पर तैनात कर रहा है। विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 365 लैब टेक्नीशियन और 1230 स्वास्थ्य कर्मचारी भी 3 महीने के लिए काम पर लगाए जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में कल 1927 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 36841 हो गई है। इनमें चेन्नई के 1392 लोग शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर अब तक मृतकों की संख्या 326 हो गई है। राज्य में 17179 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि कल 1008 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिनमें लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से यह संभव है। जिला मजिस्ट्रेटों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और 3 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना जांच बढ़ाने के लिए 15 जून तक सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीन लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कोविड और गैर कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों में नियमित रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण पूरा किया है और उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करना शुरू किया है। राज्य सरकार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। सभी प्रवासी मजदूरों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7,30,000 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के 5,79,000 सदस्यों का पोर्टल पर पंजीकरण हो गया है। इसी तरह 5,246 रोजगार प्रदाताओं को भी पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल के लोकार्पण के पहले दिन ही 79 श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिल गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल एक ऑनलाइन रोजगार मेला है, जहां एक ओर सभी मजदूर पोर्टल पर पंजीकृत है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न नियोक्ता भी इससे जोड़े गए हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरों का चयन कर सकते हैं। खास बात यह है कि मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इजराइल साझेदारी कोविड 19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को लेकर पोरबंदर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। अमरीकी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा, अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5% होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की।
ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर आईएनएस शार्दुल के आज पोरबंदर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दुल ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत सोमवार शाम को ईरान के पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास से अपनी यात्रा शुरू की थी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर लोग वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन फंसे हुए लोगों को पोरबंदर पहुंचने के बाद राज्य अधिकारियों को देखभाल के लिए सौंपा जाएगा। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूजल पुनर्भरण के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बोर की 90% लागत सरकार और 10% किसान वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि धान की खेती वाले क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर 80 मीटर तक नीचे चला गया है और अगर समय पर उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। श्री खट्टर ने कहा, सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत 53,000 किसानों ने 58,421 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई नहीं करने का विकल्प चुना है। वो वैकल्पिक फसलों को चुनेंगे और इन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रूपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, अटल भूजल योजना के तहत 3 साल में 734 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.80% से घटाकर 7.65% कर दी है। 6 महीने की उधारी पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.50% पहले ही कर दी गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.70% से कम कर 7.60% कर दी है। 6 महीने की उधारी पर ब्याज दर कम कर 7.45% की गई है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू की है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 5 आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती 8 जून से लागू कर दी है। अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर BBB श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और दीर्घावधि रेपो प्रचालन के जरिए नकदी बढ़ाने जैसे उपाय किए हैं। सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में छोटे दुकानदार और कामगार हाल में घोषित वित्तीय सहायता स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को उनके व्यवसाय में मदद के लिए 10,000 रूपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों ने यह योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई है। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद ने योग के बारे में जागरूकता लाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में सक्रिय भागीदारी के लिए संयुक्त रूप से इस वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग।
आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पूरे विश्व के लोग उत्साह से मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, हजारों प्रविष्टियां मिल रही हैं और लोग प्रसन्नता से योग के बारे में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। योग के जो साधक है वो अपने अनुभव के आधार पर योग की उपयुक्तता, परिणामकारकता, योग का न केवल स्वास्थ्य पर मगर मनुष्य जीवन पर प्रभाव, इसको दर्शाएंगे, एक दृष्टि से सिद्ध करेंगे, उसके सबूत इकट्ठा करेंगे। और मैं मानता हूं कि योग के आंदोलन को, जो एक वैश्विक आंदोलन हो चुका है, और मजबूत करने में बहुत योगदान होगा। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां इस महीने की 15 तारीख तक भेजी जा सकती हैं। वीडियो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर #mylifemyyogaindia पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल पर उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान एस व्यास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति HR नागेंद्र ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि ये समग्र आरोग्य विज्ञान है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली और जीवन की गुणवत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आयुष मंत्रालय प्रसार भारती के सहयोग से आज से DD भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 से 8:30 बजे तक योग सत्र का आयोजन कर रहा है। ये सत्र मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर भी उपलब्ध रहेगा। आयुष मंत्रालय ने कहा कि आधे घंटे के सत्र के दौरान सामान्य योग के सभी प्रमुख पक्ष शामिल किए जाएंगे। इस प्रसारण का उद्देश्य लोगों को श्रव्य दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से योगाभ्यास से अवगत कराना है। ये दैनिक पूर्वाभ्यास लोगों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा है कि बहुत ही कम समय में भारत ने COVID-19 के लिए अपनी परीक्षण क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। उन्होंने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि परिषद तथा अन्य संस्थान COVID-19 के इलाज और दवाई विकसित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम में ICMR की भूमिका ये रही कि जनवरी में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जांच करने के लिए, धीरे धीरे बढ़ा के 823 करीब लेबोरेटरी पूरे देश में बना दिए हैं। 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं, दिन में कोई 1,40,000 टेस्ट हो रहे हैं। दूसरा, ICMR की कुछ ट्रायल्स चल रही हैं कई रिपर्पज्ड ड्रग्स पे या रिपर्पज्ड प्लाज्मा पे, जिसका हम लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं। तीसरा, अनुसंधान कर रहे हैं कुछ वैक्सीन के डेवलपमेंट में। और चौथा, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में और सिरा में भी कुछ एंटीबॉडीज यदि हम लोग पा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा है कि COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप का व्यापक उपयोग आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए श्री धोत्रे ने कहा कि COVID-19 के खतरों की पहचान करने और संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ऐप के डेटा का उपयोग कर सकता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम COVID-19 पर प्रमुख विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ मधुर यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना जरूरी है। इस बीमारी का इलाज ही बचाव करना, बाकी इसमें जो भी कुछ है वो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, आपने उसकी दवा दे दी, विटामिन सी दे दी, इसका जो इलाज है वो सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन, स्पेशली फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और मास्क लगाना, इसके अलावा कोई और प्रिवेंशन की टेक्निक नहीं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी कांग्रेस ने अपने विधायकों को कल शाम जयपुर के निकट एक विश्राम गृह में भेज दिया। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और कुछ निर्दलीय विधायकों को भी विश्राम गृह में ठहराया गया है। इससे पहले इन विधायकों ने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कल शाम जयपुर पहुंच गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में COVID-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444, टोल फ्री नंबर है
1800-11-5767। और अब एक नजर डालते हैं देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शाम तथा रात को वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान 29 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा होने, गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। यहां का तापमान 17 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। पूर्वी लद्दाख सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत ने कहा सीमा से 10,000 सैनिक हटाए चीन, तभी खत्म होगा तनाव। पूर्व स्थिति बहाल करने पर जोर, भारत की दो टूक शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियंत्रण रेखा से तुरंत सेना हटाए चीन। बकौल दैनिक जागरण, नहीं बनी बात, जारी रहेगी वार्ता। देश में पहली बार कोरोना रोगियों से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स देखता है, पहली बार कोरोना के मरीजों से ज्यादा हुए उससे मात देने वाले। बकौल राष्ट्रीय सहारा, ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा। हिंदुस्तान ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बारे में लिखा है, राजधानी में एक दिन में सर्वाधिक 48 लोगों की मौत। वहीं निजी अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी और मनमानी वसूली रोकने के लिए एलजी के आदेश को अहमियत देते हुए दैनिक भास्कर लिखता है, निजी अस्पतालों को एलईडी स्क्रीन पर बेड की संख्या और रूम चार्ज बताना जरूरी। आम्रपाली के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट की राहत, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। पत्र के अनुसार बैंक जारी करेंगे मंजूर लोन का पैसा, ये पैसा रुके हुए प्रोजेक्ट में लगेगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ कल हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों के मारे जाने का समाचार जनसत्ता सहित कई अखबारों ने दिया है। पत्र लिखता है, सुरक्षा बलों ने 4 दिन में ढेर किए 14 आतंकी। अब अपराध नहीं होगा चेक बाउंस या कर्ज भुगतान में देरी, यह खबर अमर उजाला के कारोबार पन्ने पर है। वित्त मंत्रालय की तैयारी, कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए बदलेंगे नियम, 19 कानूनों को समाप्त करने के लिए 23 जून तक मांगे सुझाव। हर शहर में कम से कम एक बाजार होगा वाहनों से मुक्त, दैनिक जागरण ने इस खबर को देते हुए लिखा है, कोरोना वायरस से बचाव के तहत भीड़भाड़ कम करने की कवायद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इजराइल साझेदारी कोविड-19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को लेकर पोरबंदर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। अमरीकी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा, अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5% होगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।